मैं तेरा तू मेरी दुनिया है क्या रे, मैं तेरा तू मेरी दुनिया है क्या रे। अब तो मुझे है तुम्हें हर सुख देना, मैं तेरा तू मेरी दुनिया है क्या रे, मैं तेरा तू मेरी दुनिया है क्या रे। उदिन याद बनो नहीं खे यार, दुनिया ऐसे ही भुला जाला भैया, जाए भी हम को एकदम सही नहीं की का कह सकते। अच्छा इलाज चाहिए जिसके पास जैकेट हिला सकता है, गमछा है ठीक है, और एक्चुअली हम तीनों के पास गमछा है। मन भावे मरद भोजपुरिया सखी, मन भावे मरद भोजपुरिया, अब जब जब आएगा भोजपुरिया मरद तो गमछा लेना चाहिए ठीक है। मन भावे मरद भोजपुरिया सखी, मन भावे मरद भोजपुरिया, मन भावे मरद भोजपुरिया सखी, मन भावे मरद भोजपुरिया। अरे ठीक लगे धोती ठीक लगे कुर्ता, निकला के पॉइंट निकला के शर्ट, निकला के कुर्ता निकला के धोती निकला के कुर्ता, निकला के कान्हे को मछिया, निकला के कान्हे को मछिया सखी, मन भावे भरत भोजपुरिया। आवाज दीजिए इनकी माइक में। हेलो, अभी इनके बोल ले रहा है जी। रितेश जी मैं भारी दबाव झेल रहा हूँ, हो सकता है कि मैं आधे घंटे में फट जाऊं, तो फटने से पहले मैं चाहता हूँ कि भैंते महाराज जी का गाना हो जाए और दो दो विनय जी लोग एक साथ बैठे हैं। मैं अभी तक झूठ नहीं बोलता हूं, भोलेनाथ की नगरी का सेवक हूं, जहां के आप भी भोले बाबा के चेला हैं, तो मैं चाहता हूं कि अर्चना जी बड़ी, अरे क्या गिरा आपके कपड़े में, चांदी का बटन रखिए भैया, ये पिछले बार गाई थी और बड़ा चर्चा है, तो मैं चाहूंगा अर्चना जी आइए, आपका भी हो जाए, फूलों की होली ब्रज की होली कई होली बाकी है, तो ये गाना आप गा लीजिए फिर चंदा करके। चले लूट हरी अपना के बीच दिया हिलोई बारे, चले लूट हरी अपना के बीच दिया हिलोई बारे, और कैसे हिलोर मारे, आपका भी कमर आना चाहिए, एक दो तीन हिलोर मारे, हिलोर मारे, और कोरी हैया है कोरी हिलोर मारे, गमछा है नहीं है,
है तब कैसा भोजपुरिया मरद हो भाई? गमछा नहीं तो भाई भोजपुरिया मरद है, जिसके पास है वही उठा ले। इधर से भी जिसके पास जैकेट चलेगा, जैकेट भी चलेगा, प्रभु जी जैकेट भी चलेगा, गमछा उठाइए। अरे भाई मर्द की बात हो रही, रितेश जी को आना चाहिए। रितेश जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमार बा आइए आइए बा, आइए आपकी जरूरत है, आपके लिए कोई गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं। मैडम अपने भाइयों की मन की बातें कहना चाहते हैं, मगर यार यहाँ प्रशासन है, ये गाना ठीक नहीं लगे। भैया हम अपने सभी प्रशासन के भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हर मुश्किल वक्त में हमारे लिए खड़े रहते हैं, सारी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखते हैं। एक बार अपने प्रशासन के भाइयों के लिए जोरदार ताली बजाएं भैया लोग। वाह रितेश जी, जी हमारा दिल कह रहा है कि एक बार हम विनय राय भैया को सामने बुलाना चाहते हैं, जो पिछले कई सालों से कोसी नगर महोत्सव का ताना बाना जो आप बुनते हैं, एक बार थोड़ा आ जाइए, आप लोग ताली बजा देंगे तो हमारे कलेजे में बड़ी हरियाली आ जाएगी। चाप भैया लोग, चाप के ताली बजे चाहे बजाओ भैया खाली ताली का। यह बात विनय भैया इतना फोन करते थे कि मैं लंदन में भी शूटिंग में आपको परेशान करता था, ये समझ लीजिए, जब मैं फोन करूं तो ये लंदन। देखिए रितेश जी, इस कार्यक्रम मतलब अपना जो महोत्सव होता है इसकी एक परंपरा रही है कि हम रिपीट बहुत कम करते हैं, लेकिन मनोज भैया तो परिवार के सदस्य हैं, बड़े भाई हैं, तो उनको मैं हम संरक्षक मानते हैं। लेकिन जब पिछली बार आप आए और जो आपकी सादगी, जो आपकी सहजता और जिस तरीके से आप पेश आए, आप दिल को छू गए। वाकई लगा खाटी कोई बनारस का जो बिंदास लड़का होता वो हम लोग बीच में आया है। इस बार करें आप ऐसे ही प्रगति करें, तरक्की करें, और अभी तो काफी लंबा सफर तय करना है, अभी तो शुरुआत हुई है, तो शुरुआत है। और इस जगह पे अगर मैं कार्यक्रम आज कर पा रहा हूँ या यहाँ पर मैं आया हूँ, तो कुशीनगर में जब महोत्सव होता है 9 साल से, लेकिन मैं त्रिपट्टी तमकोई और कुशीनगर में रुक जाया करता था, सिर्फ अगर श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है यहाँ पर ले आने का, तो वो है विनय जायसवाल जी, जो मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई का बड़े भैया। तो विनय जी आज उतना रंग नहीं जम पा रहा क्योंकि आपके पैर में चोट है, और जितना आप सक्रिय रहते हैं वो सक्रियता दिख नहीं पा रही है, लेकिन मैं इनकी सादगी, इनके काम करने का जो तरीका है, जानता तो इनको भी 25 साल से था, लेकिन 3 साल से इनको समझना शुरू किया हूँ कि जनप्रतिनिधि होता क्या है, और आपका भी भविष्य मुझे दिख रहा है। ईश्वर ने चाहा अगर तो रास्ता खुल गया है, और डायरेक्ट वाले आप लोग हैं, जनता से चुनकर जाने वाले हैं, तो बस क्षेत्र का निर्माण करिए और जनता के दिल में जगह बनाइए, और यूं ही जनता के दिल पर राज करते रहिए, और किसी सदन में जाइए, एक मांग जरूर करूंगा, इन बच्चों को न भूलिएगा,